हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वादिष्ट किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पराठा। तो आइए जानते हैं इसकी सामग्री। पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 5 मैंने छोटे मीडियम आलू लिए हैं बॉईल करके, 2 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच हरा धनिया, 2 चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। हम आटा लगा लेंगे, आटा लेंगे, इसमें नमक डालेंगे, और इसे गूंध लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं गूंदना है और ना ही गाढ़ा, मीडियम रखना है इसे। इस तरह हमें थोड़ा टाइट आटा गूंदना है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आलू को हम कस लेंगे। आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका बड़ा सा गोला बना लेंगे इस तरह से, वैसे ही दूसरा बनाएंगे। इस तरह से हमने 2 गोले बना के रखे। इस तरह से हमारा आटा रेडी है। अब हम पराठे बनाएंगे। इतना आटा लेंगे हम इस तरह से। इसको इस तरह से हम कटोरी बनाएंगे। साइड से हमें पतला पतला करते जाना है इस तरह से। फिर हम इसमें बीच में ये आलू का गोला रख देंगे और इसे प्रेस करेंगे नीचे, और इसे दबाते हुए आटे को ऊपर उठा लेंगे। इस तरह से फिर साइड से इसको छोटा करते करते इसको पूरा कवर कर लेंगे। इस तरह से इसको बंद कर देंगे और दबा देंगे। इस तरह से हम गोला बना लेंगे। अब हम इसे धीरे धीरे बेलेंगे। साइड से बेलते जाना है, बीच में प्रेशर कम देना है। यह हमारा बेल के हो गया है। यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रखा था, ये गरम हो गया है। अब हम इसमें पराठा डालेंगे और इसको मीडियम गैस के ऊपर सेकेंगे। अब हम इसे पलटे कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी होने देते हैं। अब हम इसमें साइड से थोड़ा थोड़ा घी छोड़ेंगे।
दूसरी साइड से भी घी छोड़ेंगे। दोनों तरफ से सेकेंगे हम हल्का गुलाबी कलर आने तक। रेडी है हमारा आलू पराठा। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। रेडी है हमारे आलू पराठे। आलू पराठे की रेसिपी आपको कैसे लगी आप मुझे जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।